देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। नमस्कार, भारत एट नाइन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ काविंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आज चौथा चरण था। चौथे चरण में मतदान हुए, वोटिंग हुई पूरे दिन। आज न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं आपको चुनाव की समय समय की जानकारी देते रहे कि किस तरीके से आज चौथे चरण में लोगों ने वोट किया है। लोग जब वोट करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि एक ऐसी सरकार बनेगी जो सरकार उनके लिए काम करेगी। ऐसे ही वोट राजस्थान में भी दिए गए थे। राजस्थान में जनता ने भर भर कर वोट और सरकार बनाई अशोक गहलोत साहब की। कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, लेकिन राजस्थान की गहलोत सरकार क्या अपने लोगों के बारे में सोच रही है, ये एक बड़ा सवाल है जिसको मैं लगातार एक अभियान के तौर पर रोजाना उठाता हूँ। तो ऐसे में आज का जो सवाल है वो यही है और इतना सा ही है कि गहलोत सरकार क्या अपने किए गए वादों पर सफल रही, क्या युवाओं को नौकरी की जो बातें की जाती हैं क्या उनमें सफल रही। दूसरी चीज़, क्या गहलोत सरकार अपने लोगों का ख्याल रख पा रही है, क्या गहलोत सरकार अपने लोगों की बातों को सुन पा रही है, क्या गहलोत सरकार को वो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जो आवाज़ें दरअसल ज़्यादा संगठित रूप से उन तक ना पहुँचने के लिए भी मजबूर हैं। तो ऐसे में वो आवाज़ें जो दरअसल सरकार को सुननी चाहिए, क्या वो आवाज़ सरकार सुन पा रही है, क्या जिस मुद्दे को लेकर लगातार युवा प्रदर्शन कर रहे हैं क्या वो आवाज़ें सरकार तक पहुंच रही हैं, या फिर गहलोत सरकार अपने कानों को बंद कर चुकी है और कानों को बंद करने के बाद उनको वो आवाज़ें दरअसल नहीं सुनाई दे रही जो युवा लगातार उठा रहे हैं। इसका एक ही जो फायदा है और एक ही घाटा है। इसका फायदा ये है कि थोड़े समय के लिए गहलोत सरकार इस मुद्दे से मुँह फेर कर बच सकती है, ये फायदा है। लेकिन घाटा ये है कि आने वाले समय में गहलोत सरकार को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि आज जो अभ्यर्थी रो रहे हैं, आज जो अभ्यर्थी परेशान हैं आर्थिक रूप से मानसिक रूप से, उनका क्या। तो अगर कल को गहलोत सरकार को अगर किसी प्रकार का घाटा होता है तो वो आज का ही। दरअसल एक डिजिटल रूप से जो आंदोलन चल रहा है और लगातार अब तो सड़कों पर भी आ गया है, इसको ना सुनना ही होगा। तो इसको ना सुनने के चलते जो घाटा हो सकता है, क्या उसका डाटा गहलोत सरकार के पास है? अगर नहीं है तो उसका डाटा हम लगातार गहलोत सरकार के पास पहुंचाने की तमाम मुमकिन कोशिशें कर रहे हैं कि गहलोत सरकार इन बातों को भी सोचे और इन बातों को भी समझे। लेकिन गहलोत सरकार लगातार, मैं बार बार कहता हूं, लगातार इन बातों को अनसुना कर रही है। 6 फरवरी को गहलोत सरकार कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ लोगों की गलती की वजह से पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको रद्द कर दिया जा सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों के भविष्य का सवाल है। लेकिन 8 फरवरी को वही गहलोत सरकार अपनी बात को भूल जाती है। 2 दिन बाद ही वो सुबह उठती है और 2 दिन बाद पहले जो बातें उन्होंने कही थी उन्हीं बातों को भूल जाती है। गहलोत सरकार ये भी भूल जाती है कि दरअसल गलती जिसकी है सजा उसी को मिलनी है, जो निर्दोष है, जिसकी गलती ही नहीं आखिर उसको किस बात की सजा। और युवा जो परीक्षा कर देते हैं, जो मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, परीक्षा में आते हैं, परीक्षा देते हैं, परिणाम का इंतजार करते हैं और जैसे तैसे बहुत जद्दोजहद के बाद परिणाम आते भी हैं, उन परिणामों के बाद जो खुशी होती है वो गहलोत सरकार समझ सकती है, क्योंकि अशोक गहलोत भी परीक्षा देते हैं और परीक्षा में वो पास हुए थे तभी मुख्यमंत्री बने थे। तो उनको जब परीक्षा के बारे में मालूम है, जब वो इलेक्शन के बाद जब आए थे और बताया गया था कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और इसी वक्त अगर गहलोत जी से कह दिया जाता कि आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते और आपकी कांग्रेस की गवर्नमेंट भी यहाँ नहीं आएगी तो आखिर क्या होता। ऐसा ही कुछ आज रीट के अभ्यर्थी जो हैं वो भुगत रहे हैं। इनकी भर्ती होनी थी, नियुक्ति होनी थी, लेकिन दरअसल आज ये लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि भर्ती बंद कर दी गई है, भर्ती रद्द कर दी गई है। इसके गुनहगार कुछ और लोग थे, लेकिन आज पूरे दिन यूपी इलेक्शन में बिजी रहने के बाद शाम का वक्त है, रात का वक्त है, भारत एट नाइन अपना वक्त है और अपने वक्त में अपने लोगों से बातचीत की जाती है। तो सीधे हम रुख करेंगे, हमारे साथ बताया जा रहा है कि दिव्या जी जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ हमारे साथ भार्गव साहब भी जो हैं जुड़े हुए हैं, सीधे उनकी तरफ करेंगे। धुरिया साहब हैं, मनीष धुरिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिव्या जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन दिव्या जी से पहले हमारे साथ, दिव्या जी थोड़े समय बाद आएंगी, दो मेहमान हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। दिव्या जी, मुझको यही बताया गया था कि दिव्या जी जुड़ी हैं लेकिन आपका फेस नहीं दिखा, इसलिए माफी चाहूंगा। तो दिव्या जी, आज पूरा दिन इधर तो इलेक्शन में रहे, लेकिन मुझे बस अपडेट लेना था आप लोगों से कि क्या कुछ चल रहा है। जी दिव्या जी, दिव्या जी आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ दिव्या जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि मैं आज दरअसल पूरे दिन इधर उधर के काम थे, चुनाव भी चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उसमें व्यस्तता थी, इसलिए मैंने सोचा कि शाम को जब आएंगे तब आपसे बात करेंगे। क्या कुछ चल रहा है, कहाँ तक बात पहुंची है और क्या है? जी
स्थिति है अभी। दिव्या जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आज आपकी आवाज नहीं आ पा रही है दिव्या जी। दिव्या जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने ईपी लगा रखा हो तो ईपी को हटा लीजिएगा। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है दिव्या जी आपकी। ठीक है, आवाज किस वजह से नहीं आ रही है उसको दिखाएंगे। हमारे साथ और बाकी हमारे एक और साथी हैं, आप सर अपना नाम बता दीजिएगा फिर आप बात रखिएगा। हेलो। जी सर आपकी आवाज आ रही है मुझे, आप अपनी बात रखिएगा सर। क्या आप नाम बताइए? नमस्कार सर। नमस्कार कैसे हैं आप, सबसे पहले ये बताइए आप। बढ़िया सर, सब बढ़िया है। ठीक है, मैं ये बस आपसे पूछना चाह रहा था क्योंकि विंडो स्क्रीन में प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा था कि सबसे पहले तो ये बताइए कि अपडेट क्या है, मुझे अपडेट थोड़ा सा जानना था, अपडेट क्या चल रहा है सर आपका? अपडेट तो देखो, मुहिम बहुत बढ़िया है, चल रही है। कल सारे और गैदरिंग इकट्ठी होगी, सारे स्टूडेंट एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। ये मेरे को लगता है ये आंदोलन इकरार रूप ले लेगा पूरा। ठीक है, इसमें सब वही स्टूडेंट हैं जिनके सबके नंबर अपनी मेहनत के हैं। इसमें एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो 100 से 120 से नीचे हो। अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सब इकट्ठा हो रहे हैं धीरे धीरे। ये मुहिम बहुत ही जल्द बड़ा रूप लेने वाली है। ठीक है सर, अपना नाम इसमें सरकार को आना ही पड़ेगा। एक बार अपना नाम बता दीजिएगा सर। मेरा नाम मनीष कुमार धुड़िया, मैं श्री गंगानगर से। अच्छा, अरे मनीष साहब, आपसे तो मेरी बातचीत भी होती रहती है, आपसे तो अब दोस्ती सी हो गई है। बस एक बार बिल्कुल दिव्या जी आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, आप फ्रेम में रहिएगा। धुड़िया साहब आपसे तो ऐसा संबंध हो गया है भाई वाला, एक बार बस ये मसला समाप्त हो फिर जरूर मुलाकात करेंगे। सर आपने ना हकीकत में अपने भाइयों वाली निभाई भी है। नहीं नहीं धुड़िया साहब, राजस्थान में हमारे को लगता नहीं हमारे साथ कोई चैनल खड़ा है आज की डेट में। तो बड़े भाई साहब हमारे साथ आए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहता हूँ राजस्थान में आपका चैनल इतना पॉपुलर हो, खूब तरक्की करे। बहुत बहुत शुक्रिया धुड़िया साहब। सर ने आवाज उठाई है, अपनी आवाज पूरी बुलंद की है पूरे राजस्थान में और सब जगह। बिल्कुल, ये आवाज डेली उठेगी। बिल्कुल, एक दिन आवाज नहीं उठेगी ये। मनीष साहब अभी धरना शुरू हो गया, 3 दिन से धरने पे है और सरकार की तरफ से अभी तक कोई मैसेज नहीं आया कुछ हमारी बात सुनने के लिए। अच्छा, ये जो शाम को पुलिस वाले पकड़ी करते हैं। हाँ बिल्कुल, और धुड़िया साहब मैं ये जानना चाह रहा था, ये ज्ञापन दिया है इसके बाद किसी तरीके का कोई अपडेट देते हैं कि क्या चल रहा है? कोई भी सरकार का कोई भी नुमाइंदा, सरकार का कोई भी नेता मंत्री, अभी तक कोई भी आपसे बात हुई है? नहीं सर, नहीं। मैं बिल्कुल, देखिए मैं आपको बहुत एक चीज क्लियर कर दूं, आज यूपी का 4th फेज का इलेक्शन था तो उसमें सुबह से आज वही व्यस्त थे आज सुबह से। अभी बिल्कुल 9 बजे मैं फ्री हुआ हूं उधर से और धुड़िया साहब से मेरी बात हुई थी, जिस वक्त धुड़िया साहब से मेरी बात हुई थी उसी वक्त मैं फ्री हुआ था। हम तो खुद चाहते हैं जी मंत्री आए, हम बच्चों के साथ बैठ के बात करें। बिल्कुल, और मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, मैं कहता हूँ ये चुनाव की व्यवस्था हटते ही सबसे पहले राजस्थान के नेताओं मंत्रियों को आमंत्रित करूंगा, फिर आपके साथ बैठा के मैं कुछ नहीं बोलूंगा उसमें, आपके साथ बैठ के मैं तो एक ही बात बोलूंगा सर। देखो कांग्रेस पार्टी कहती है हमारी कैबिनेट मंत्री ने मिलके ये फैसला लिया है, तो मैं एक ही बात बोलूंगा, आप अपने सारे कैबिनेट मंत्री बुला लीजिए, टेबल टू टेबल हो जाएंगे, विपक्ष भी बुला लेंगे। विपक्ष ये कहते हैं ना, हमने रीट रद्द करने के लिए हमने नहीं कहा। और कल भी एक डिबेट हुई थी, अशोक जी आए थे उसमें, उन्होंने यही बात बोली कि हमने नहीं कहा रद्द के लिए, तो फिर विपक्ष रह कहां गया? सही है, देखो एक एक चीज को उठा के आप किनारे करते जाइए तभी सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन एक और चीज है, एक अमृत भाई है, मैं आपको बताना चाहता हूं और ये मैंने सोचा कि आपको सार्वजनिक मंच पर बताऊंगा कि इस लड़ाई में दरअसल एक और चीज है धुड़िया साहब, दिव्या जी आप भी सुनेगा और साथी और भी हमारे हैं वो भी सुनेंगे कि कुछ लोग ऐसे भी हैं मनीष साहब कि जो दरअसल आपके साथ हैं, आपके आसपास के हैं, लेकिन दरअसल वो एक अलग बात कह रहे हैं और वो कहीं ना कहीं इस लड़ाई को कमजोर करने कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आगाह कर रहा हूं आप। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मेरे पास भी कुछ लोगों के मैसेज आए हैं, लेकिन नाम बताना भी ठीक नहीं है, मैं मैसेज अगर दिखा सकूं तो दिखा दूं लेकिन नाम बताना ठीक नहीं रहेगा सार्वजनिक रूप से। लेकिन एक मैसेज आया था मेरे पास कि परीक्षा को रद्द किया गया
ये बिल्कुल ठीक है, रद्द किया जाना ही चाहिए था। और आप जो हैं सर, हमारी भी बात सुनिए, क्या मैसेज है। तो मैं ये बस आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे भी लोग हैं, समझिए दिव्या जी इसको, ऐसे भी लोग हैं, और अगर ऐसे लोग हैं तो इनको थोड़ा सा आपको पहचानना होगा कि ये कौन लोग हैं। मुझे नहीं, इसकी जानकारी इल्म नहीं है इस बात का, लेकिन ये लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं, अभी कौन लोग हैं ये आप लोग बेहतर समझते हैं और समझा सकते हैं। दिव्या जी, सर ये वो लोग हैं जिनके नंबर नहीं बने, ये जो 16 लाख की भीड़ थी ना, जो फेलियर थे, जिनका जम्मा भी उसको, उनको भरोसा नहीं था भी हमारा हो जाएगा, ये वो लोग हैं। ठीक है, अगर भर्ती रद्द होनी चाहिए थी ये बोल रहे हैं वो, तो मतलब इसका ये साफ है भी अगली बार हम 1 साल तैयारी करें, वो वापस आए, वो भर्ती और रद्द करा देंगे ऐसे तो। एग्जैक्टली, और इनका यही सिस्टम चलना है, हर मतलब हमेशा यही सिस्टम चलना है इनका भी, आए हम मेहनत करें और ये जिनके नंबर नहीं बने वो भर्ती रद्द करा दें ऐसे तो हम। और मैं अब मैं बताता हूँ मैंने ये बात क्यों कही इस मंच से, नाम नहीं बताया, नाम बताना ठीक नहीं है, किसी को सार्वजनिक रूप से नाम नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि दिव्या जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही, नैरेटिव जो है दरअसल इस तरीके का बनाना गलत है। क्योंकि बिल्कुल दिव्या जी ने सही कहा कि अगर कोई परीक्षा होती है, 12वीं की परीक्षा हुई, उसमें 4 अगर छात्र फेल हो जाते हैं तो वो तो चाहेंगे कि परीक्षा दोबारा हो, मौका दोबारा मिले उन्हें, लेकिन जिन लोगों ने उसको पास किया, जिन लोगों ने मेहनत की, उनका नहीं देख पाते। बाकी दिव्या जी बस आज के लिए मैं अपडेट जानना चाह रहा था कि अपडेट क्या चल रहा है, अभी तक कहां पहुंची है बात, क्या आगे का क्या प्लानिंग चल रही है, क्या रणनीति है आगे की? अपडेट यही है, अभी सरकार को थोड़ा थोड़ा मतलब दबाव महसूस हो रहा है, वो अपने नुमाइंदे भेज रहे हैं कैसे भी करके इनके धरने को मजबूत, वो कमजोर किया जाए, तो वो ही है बस पता है अभी। हाँ, थोड़ा थोड़ा तो दबाव बढ़ रहा है, तभी तो हमें मतलब कोशिश करें अभी कैसे भी करके ये हट जाए, पर हम हटने वाले नहीं है बिल्कुल। और मनीष साहब धरने पर बैठे हैं और बैठे रहेंगे। मनीष साहब, पहले दिन से मैंने ये बात कही है, पहले दिन से, कि किसी कोई भी लड़ाई छोटी नहीं होती है, कि इसको आप कितना भी छोटा समझिए, लेकिन मेरा, मेरी जो भूमिका है वो यहाँ पर ये है कि आप लोगों को किसी तरीके से जोड़े रखना है किसी भी तरीके से, और जब तक आप एक रहेंगे, संगठित रूप से रहेंगे, मैं बात इसको वादा कर रहा हूं, मैं आपसे झुके हैं, बहुत लोग झुके हैं और झुकते हैं लोग, और पहली बार नहीं है, इससे पहले भी मैंने एक सीरीज चलाई थी मेनका गांधी के लिए थी वो, कि उसमें क्या था कि वो उन्होंने कई सारे वेटनरी डॉक्टर्स को जो था उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, उसको लेकर लगातार सीरीज चलाई। उसके बाद मेनका गांधी जी ने खुद उनके नाम पर एक माफी का लेटर रिलीज किया, और जब शुरुआत हुई थी तब कई लोगों ने मुझसे बोला कि कुछ नहीं होगा, तो मुझे ये बात पता है और मेरे को बड़ा पॉजिटिव वाइब्स आती है कि ऐसा होगा, और मैं जितनी इसमें भूमिका अदा कर सकता हूँ उतनी करनी है, लेकिन बस मैं आप लोगों को थोड़ा सा मिलकर बस इतना बताता रहता हूँ कि आप सभी लोग संगठित रहिए, समय जरूर लग सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता कभी भी किसी भी घड़ी। मनीष साहब, होने नहीं देंगे सर पराजित, आप लोग साथ में हमारे, हम भी आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ हो, 1 और 1 11 हैं अपने, बिल्कुल। और मैं बस उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ मनीष साहब, आज बस एक मुलाकात थी, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि जब ये पूरा मसला हल हो और आप सबको खुशी खुशी सबको नियुक्ति मिले। मनीष साहब आपको, दिव्या जी आपको, और आप अपना नाम बता दीजिएगा सर। मेरा नाम बाबूलाल जी सर, बाबूलाल साहब आपको भी मैं जानता हूँ, बस यही समस्या है कि चेहरे से पहचान नहीं पाता हूँ, बाबूलाल साहब आपको भी मैं जानता हूँ, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बस मैं इतना चाहता हूँ, और मेरे को इसमें बड़ी खुशी मिलेगी कि जिस दिन आप सबको नियुक्ति मिल जाएगी, तो मेरे इतने सारे भाई बहन जो हो चुके हैं, और राजस्थान आके जब आप सबसे मुलाकात करूंगा, और मैं इसको बता रहा हूं कि थोड़े दिन की परेशानी है जी सर, थोड़े दिन की जी सर, आप आवाज आगे, हमारी आवाज बुलंद करते हो, हमारी दुगुनी तिगुनी ऊर्जा हो जाती है, और आप धरने पे बैठे हैं अभी तीन दिन से, धरना चल रहा है और हमारा धरना मजबूती से चल रहा है, पूरा सरकार के नुमाइंदे चाहते है कि ये इनको कमजोर किया जाए कैसे भी, ये सरकार दबाव में आ रही है, और दबाव में आने के कारण वो सोच रहे कि ये कैसे भी तितर बितर हो जाए और कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन अब कमजोर पड़ने वाले नहीं है, जब तक जीत नहीं जाएंगे तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं। बिल्कुल मनीष साहब, हम जीते ही हैं और जीत करके यहाँ से जीत लेके जाएंगे। नहीं, ये तो देखिए क्रोनोलॉजी है, आप जिनसे भिड़ गए हैं अब अपनी मांगों को लेकर, वो बहुत पावर सेंटर फोर्सेस हैं, उनका क्या है, सबसे पहले तो आपको परेशान करेंगे, परेशान करते रहेंगे, फिर आपको समझाएंगे, आपके सामने अच्छा बनेंगे, आपको समझाएंगे, फिर उससे भी अगर आप नहीं मानेंगे तो प्रशासन है, डंडा है, लाठी है, फिर जब उस फेज को भी आप क्लियर कर जाएंगे तब जीत मिलेगी। तो लड़ाई तो है,
लड़ाई तो लड़नी है, अपनी मांगों को मनवाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी और पूरे सभी साथी एकदम मजबूत हो रहे हैं और हमारा वहाँ पे धरने पे बंदा संख्या बढ़ रही है, सभी आ रहे हैं वहाँ पे। बिल्कुल, और बस दुख इस बात का है, दुख तो बस दुख बस इस बात का है कि नियुक्ति मिलनी चाहिए थी लेकिन आप आज प्रदर्शन कर रहे हैं। सर ये बात मैंने पहले ही बोली थी, हम टॉपर्स बना के मेहनत हमने पहले भी की थी और तब भी रोए थे, भी मेहनत की थी, आज भी रो रहे हैं इतने नंबर बना के भी। और जो वो 78 दारी है वो पहले भी खुश थे, ना पढ़े थे ना कोई और आज भी वो रद्द करा के खुश है। दिव्या जी मैंने आप, आप, आप आपको ध्यान दिया होगा, दिव्या जी जब वो तस्वीर मैंने देखी थी, शायद आप ही की तस्वीर देखी थी कि जब आप धरने पर आप लोग बैठे हुए थे, वो तस्वीर जब मैंने देखी थी तो मैंने उसको लेकर एक ट्वीट किया था, मैंने कहा टॉपर भी आज सड़कों पर आ गए, ये स्थिति हो गई है। हाँ जी सर, जी जी सर, जी सर, जी 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 मनीष सर, सर ये एक बात ये है कि 1,23,000 140 प्लस किरोड़े अलमीना जी से ये सवाल है कि उनकी लिस्ट दे दे हमें, नाम रोल नंबर और नंबर, ये कहाँ पे बैठे हैं, कुछ तो होगा, उन्होंने इतना डेटा दिया है 1,23,000। वो तो अब खुद फंस गए हैं, वो तो अब खुद फंस गए। मैं यही कह रहा हूँ रीट भर्ती रद्द कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान ही रहा है। सर 2,25,000 फार्म ग्रीजे सेकंड लेवल, ठीक है, अब किरोड़ी लाल जी बता रहे कि 140 अंक प्लस 1,23,000 अभ्यर्थी है, तो हमें बताइए कि वो कहां पर है, सिर्फ बताइए 50,000 नहीं 140 से लेकर 90 के बीच में 82.5 के बीच में 50,000 स्टूडेंट है, इतने स्टूडेंट है क्या पूरे राजस्थान में, ये बताइए 7,00,000 पात्रता पास की है सभी ने। सर हम तो सीधी बात है फर्स्ट लेवल की कट ऑफ का वेट कर रहे हैं, हम तो उनका वेट कर रहे हैं, वो जिस दिन आएगी, क्योंकि लाल जी ने बोला है 78,000 प्लस 140 प्लस फर्स्ट लेवल में, अगर फर्स्ट लेवल में 140 78,000 है तो वो 140 से ऊपर रहेगी मेरिट, अगर तो बस उनका भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वो क्या सही बोल रहे हैं क्या गलत बोल रहे हैं, बोल रहे पेन रही है मेरे पास है तो दो ना, पेन रही है तो दो, अशोक जी को दो पेन रही है तो हमें क्यों मार रहे हो, हमने मेहनत की है, हमारी जांच करवा लो, अगर सरकार सुन के दो गुना लिस्ट निकाले, हमारी जांच करवा ले, जो दोषी होगा वो बाहर हो जाएगा, जो मेहनत होगा वो नियुक्ति ले लेगा, हमें क्यों मार रहे हो, हमारी क्या गलती है इसमें, हमने तो 3 साल मेहनत की है, अब आगे एग्जाम कब होगे क्या होगे क्या पता क्या होगा, कैरी बार बार नहीं होती है, आर्थिक सहयोग भी देखना पड़ता है, घर वालों की परिस्थिति भी देखनी पड़ती है सर जी। ठीक है, समय की सबसे अच्छी बात यही है सर कि समय बदलता जरूर है, तो अभी आपका परेशानी जरूर है लेकिन ये बदलेगा जरूर, जरूर बदलेगा ये सर, ये एकदम से नया मोड़ लेगा, एकदम से नया मोड़ ले लेगा, देख लेना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपसे कहा है, मैंने इस बात को, लेकिन सर जितने दिन ये है, अगर सरकार हम धरना दे रहे हैं, ठीक है 3 दिन हो गया हमारा धरना, हम जितने दिन सरकार कोई फैसला नहीं लेगी हम धरना धरने से नहीं हटेंगे, हम वहीं पर रहेंगे धरने पर रहेंगे, बस हमारे कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल खराब कर दिए 2 महीना और कर देंगे, हमारे कोई दिक्कत नहीं, हम यही है, परेशानी है तो उसको लड़ा जाएगा क्यों मनीष साहब, अब लड़ाई तो है तो लड़ाई जाएगा पड़ेगा, लेकिन यह है कि व्यक्तित्व में निखार लाती है चीजें, अब गांधी जी लाठी लेकर लड़ते रहे और वो अगर जीत सकते हैं तो हम तो देश ही गांधी जी का है, गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाला देश है। मनीष साहब आज आपके हाथ में देखो नंबर है ना, आपकी मेहनत के नंबर है, नई परीक्षा में ये नंबर नहीं आएंगे किसी के भी, ये आप सोच लेना सर, हमने एग्जाम के बाद में 5 महीना हो गया, हमारे से पढ़ाई किसी से लगभग बंद है, किसी ने पढ़ाई नहीं की क्योंकि सबको पता था हो जाएगा, अब हमारे अगर बाई चांस अगर आगे के एग्जाम में नहीं होते फिर क्या बोलेंगे, उन्होंने तो पेपर लिया था नहीं, देखिए उसका तो सवाल ही नहीं, सवाल ही देखिए मैं कहता हूँ कि उस चीज पर जाना ही नहीं है, मैं कहता हूँ उस चीज पर जाना ही नहीं है, अगर इलेक्शन हुए, मैं इलेक्शन का शब्द इसलिए जिक्र करता हूँ क्योंकि सरकार से जुड़ी बात है, इलेक्शन हुए कह दें 2 पोलिंग बूथों पर गड़बड़ हो गई, 2 पोलिंग बूथ क्या कभी भी सरकार इस चीज को कहीं भी कोई भी पार्टी हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो जो जीती हो, उससे कहा जाए कि नहीं इस इलेक्शन को पूरा रद्द करिए, इसको पूरा बाइंड अप कीजिए, दोबारा से इलेक्शन करवाते हैं, कोई राजी नहीं होगा साहब, कोई राजी नहीं होगा, दोबारा जीतेंगे नहीं जीतेंगे इसको हटाइए, जो हमारा अधिकार है वो तो है, हमने परीक्षा दी हम पास हुए, हमारी नियुक्ति होनी चाहिए, भर्तियां होनी चाहिए, तो ये तो अधिकार है हमारा,
तो इसमें क्या, इसमें कोई वही कहना चाह रहा हूं किसी भी तरीके का ए बी सी डी कुछ भी नहीं हुआ इसमें। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि एक बार मेहनत करके इतने नंबर लिया है, बार बार इस तरह की मेहनत नहीं की जा सकती। मैं यही चीज दिमाग में डालने की कोशिश करता हूँ कि जब आप, जब कोई भी अगर ये बात बोलता है, आप सब में से कोई भी या मैं कुछ भी कभी भी ये बात बोलते हैं कि दोबारा अगर परीक्षा करवाई तो अगर नहीं आए तो, अरे दोबारा परीक्षा का सवाल ही नहीं, हमने परीक्षा कभी मैंने ये बोला है दी, ये तो शब्द ही भूल जाइए कि दोबारा परीक्षा होगी नहीं होगी, कोई परीक्षा से हमने परीक्षा दी, हमारे हम जीते, हम पास हुए, अब हमें नियुक्ति का वक्त है, हमें नियुक्ति चाहिए, दोबारा परीक्षा करवानी आप देख करते रहिए उसको, हमें नियुक्ति दीजिए, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर है ये चीज बिल्कुल। जी सर, इन लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हम लोगों की जो अच्छे नंबर लेके आ रहे थे, जिनका सिलेक्शन होने वाला था, उनकी बड़ी चढ़ा दी और ये अपनी राजनीति चलाने के लिए ये सब कर रहे हैं। और जब इनसे पूछा जाता है सर आपने रद रद का कर रहे थे, तो बोलते हैं नहीं हमने तो किसी के रद के लिए नहीं, बोलते हमने जांच के लिए, जांच करवा लो आप, जिनका सिलेक्शन होने वाला है उनका जांच करवा लो, उनको उनके साथ न्याय तो करो, ये कौन सा न्याय है कि आप पूरी परीक्षा रद्द कर देते हो, ये कोई सोल्यूशन थोड़ी है। नहीं बिल्कुल सही बात है, प्रकाश राज जी ने बोला था भी हमने गुड गवर्नेंस स्थापित करने के लिए और लीड परीक्षा को विपक्ष के दबाव में आकर रद्द कर दिया। मैंने कहा भी, मतलब मेरा ही सवाल था उनसे भी, खुद को सही दिखाने के लिए आपने 16,000 बच्चों की बलि दे दी। नहीं ये देखिए, और आरएस वाले धरने पर बैठे हैं, वो बोल रहे हैं अभी परीक्षा आगे करो, परीक्षा आगे करो। दिव्या जी देखिए, सीएम साहब खुद बोलते हैं, सीएम साहब खुद बोलते हैं भी परीक्षा आगे नहीं होगी, इससे बच्चों के आर्थिक और वो न्याय उचित नहीं है परीक्षा आगे करना, क्योंकि इससे बच्चों के मानसिक और आर्थिक दबाव पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे ये बता दो भी, हमारे 3 साल पहले मानसिक आर्थिक दबाव नहीं पड़ा था क्या? आगे अगर 1 साल बाद होती है, 1.5 साल बाद होती है, तो हम पर मानसिक और आर्थिक दबाव नहीं पड़ेगा क्या? मुझे ये बता दो, ये कहाँ का न्याय है भी, हम पहले भी हमने मानसिक आर्थिक दबाव सहन किया और अभी भी मानसिक और आर्थिक दबाव सहन करें। बिल्कुल देखिए, हम लड़ाई तो अब है ही तो चली रही है, बाकी व्यक्तित्व में मजबूती आती है इन चीजों से, वो चीज ठीक है, लेकिन हाँ सरकार जो अपनी नियत है, जो अपना चेहरा है, वो दरअसल सबके सामने खुलकर आ रहा है, और हम ही सभी जो लोग हैं, हम ही सभी आगे चलकर युवा हैं, देश का भविष्य है, सबको पता है कि सरकारें किस तरह से काम कर रही हैं, विपक्ष और सरकार, मनीष साहब विपक्ष हो सरकार हो, ये सब है एक ही, सब एक ही है, पीठ पीछे सब एक ही, पेट में खाना खाने वाले लोग हैं। कल ही बोल दिया था आपको, भाई और बहन, हाँ बिल्कुल, ये सब एक ही। आप विधानसभा में जाकर देखिए, विधानसभा में यही डोटासरा साहब, यही गहलोत साहब, यही सब आपस में ही खाना खाते हैं एक ही थाली में, तो कोई अलग नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है, कोई पक्ष नहीं है, इन सबका सिंगल कोर एजेंडा ये है कि कैसे सत्ता में आया जाए। अब इस मुद्दे को भुनाकर हम कैसे सत्ता में आए, आप कैसे सत्ता में आए। चलिए, कल इन लोगों ने अपनी राजनीतिक सुरक्षा के लिए जिन लोगों के नंबर नहीं थे उन लोगों को लामबंद करके पूरा राजस्थान में झूठ बोल के इतना भ्रमित माहौल कर दिया, इशात्मक माहौल कर दिया कि पूरे राजस्थान में ऐसा माहौल बना दिया कि पता नहीं कितना पेपर लीक हो गया, कितना क्या कुछ हो गया। बिल्कुल यही बात है, किरोड़ी जी मीणा है जो इतनी लंबी लंबी फेंक रहे हैं कि 1,23,140 प्लस है, हो सकता है क्या 2 लाख कितने तो फॉर्म सारे भर गए, उनमें से बीएड वालों के 2-2, 3-3 फॉर्म आए। अभी अभी फिलहाल के लिए माफी चाहूंगा सर, और धुरिया साहब आप भी हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं ये कह रहा था बस कि आप लोग यूं ही जुड़ते रहिए, हम सब लोग यूं ही जुड़ते रहेंगे, और बाकी बहुत सारे लोग हैं जिनके मैसेजेस मेरे पास आते रहते हैं, वो भी जुड़ना चाहते हैं, उनको जल्द ही जुड़ने की कोशिश करेंगे, अभी थोड़ी सी व्यस्तता चल रही है चुनावों को लेकर, इसलिए थोड़ा सा व्यस्त हूँ, लेकिन हाँ अपना कार्यक्रम करता रहूँगा, आपसे रोजाना मुलाकात है, बातचीत होती रहेगी, और इस कार्यक्रम के जरिए ही अगर हम आप सबकी आवाज़ बनते रहेंगे, आप सब संगठित रूप से इसी कार्यक्रम के जरिए अपनी आवाज़ को अगर उठाते रहेंगे, एक साथ आवाज़ें आती रहेंगी, तो सरकार को एक ना एक दिन और जल्दी ही ज़रूर सुनाई देगी। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, शुक्रिया। देखिए भारत @9 कावेंद्र चौहान के साथ।